मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हैव यू गुड मॉर्निंग रिटर्न? सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देखो ध्यान से, मैंने लिखता हूं पी सफिक्स पी एन। पी एन क्या है मेरे लिए? एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग पी एन बी एस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर स्मॉल, यहाँ पे नेचुरल नंबर एन। ठीक है, एन क्या लिया हूं मैंने? नेचुरल नंबर लिया हूं, एक स्टेटमेंट लिया हूं। पी एन एक स्टेटमेंट है मेरा, एन क्या है? इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। उसके बाद लिखेंगे पी एन बी ए स्टेटमेंट, लेट स्टेटमेंट लिखा रहा हूं पहले, लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट, पी एन बी ए स्टेटमेंट, लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर स्मॉल एन। अभी हमें बता दो, फॉर एन इक्वल्स टू, पहला स्टेप फॉर एन इक्वल्स टू वन, अभी हम देखेंगे फॉर एन इक्वल्स टू वन, पी वन एन का जगह पर वन, चेक करो एन का जगह पर वन लिखा जाएगा। जब मैं लिखता हूं फॉर एन इक्वल्स टू वन, पहले पी ऑफ वन क्या दिखाएंगे हम? पी वन इज ट्रू, पी वन इज ट्रू। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? सर फिर से बताइए। हाँ, क्या लिखा हूं? लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट, पी एन क्या है? एक स्टेटमेंट है, पी एन है मेरे लिए एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। ये जो एन है ना वो नेचुरल नंबर है जिन किया। ठीक है, लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। स्टेटमेंट का डेफिनेशन, स्टेटमेंट अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 2 प्लस 3 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, और कहीं पे लिखता हूं 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, इसका मीनिंग क्या है? एक स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, लेकिन जब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 लिखा, एक स्टेटमेंट है लेकिन एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 2 प्लस 3 क्या होता है? ऑब्वियसली 5 होता है। तो क्या लिखा हूं? ये स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। आइदर ट्रू और फॉल्स, ये क्या है? नीचे वाला क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, और ऊपर वाला क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ। क्लियर? तब यहां पे क्या लिखा? लेट सी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। तब यहां पे क्या लिखा? पहला स्टेप फॉर एन इक्वल्स टू वन, वी हैव टू शो दैट पी वन इज ट्रू, वी हैव टू शो दैट पी वन इज ट्रू। अभी अभी मैं एज्यूम करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के, इफ एन इक्वल्स टू के, अभी लिखेंगे सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड क्या आएगा? फॉर एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के, तब हम इसको एज्यूम करेंगे पी के इज ट्रू, पी के एन इक्वल्स टू मैंने के लिया हूं, तब पी के इज ट्रू, इसको मैंने एज्यूम करेंगे, इसको मुझे एज्यूम करना है फॉर एन इक्वल्स टू के, फॉर एन इक्वल्स टू के पी के इज ट्रू, इसको मुझे एज्यूम करना है। ठीक है, अभी हमें प्रूव करना है, अभी मैं लेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन,
फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, हम अभी प्रूव करेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस वन, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, लास्ट लाइन लिखेंगे दे आर फॉर वन, हेंस हेंस पी एन इज ट्रू, हेंस पी एन इज ट्रू, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, फॉर ऑल नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इसको लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। अभी हमें पहले बता दो हमने क्या लिखा हो, क्या समझाया है, उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, उसके बाद इसको बेस्ड करके एक दो प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद एक साथ अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर, क्या बोला हूँ, पी एन बी ए स्टेटमेंट, पी एन क्या है मेरा, एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन, यहाँ पे एक वन बताया हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, ये स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू, ये देखो ट्रू स्टेटमेंट लिखा हूं, टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव, ये स्टेटमेंट इज ए, ये स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ, दोनों एट ए टाइम हो नहीं सकता। क्लियर, अभी हमें बता दो, तब पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, पहला फॉर एन इक्वल टू वन लेंगे, तब हम प्रूव कर देंगे पी वन इज ट्रू है, एन का जगह पर अगर वन पुट करेंगे तब पी वन इज ट्रू, इसको दिखा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे फॉर एन इक्वल टू के पी के इज ट्रू, एन इक्वल टू के तब पी के इज ट्रू। अभी हमें प्रूव करना है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, so hence we can write pn is true for all natural number small n, for all natural number small n belongs to capital n. Can I write this line? Ye tha mera principle of mathematical induction, principle of mathematical induction. If I take one example then it is clear, check it. Can I write this line? Dekho yahan pe sab kuch samajh mein aa gaya, sab kuch samajh mein aa gaya na, doubt hai? ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ वहां से हम ध्यान से समझते हैं जो क्या पूछा गया है, क्या मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह से अप्लाई किया जाएगा प्रॉब्लम में, उसको समझेंगे। ठीक है, इसको साफ कर सकता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ, ये सुनो, इसको मिटा सकता हूँ, थोड़ा बीच बीच में रेस्पॉन्स करते जाना, चुपचाप नहीं रहना, मिटाता हूँ मैं इसे। अभी देखो, अभी मैं एक एग्जाम प्रॉब्लम लेता हूं, मैंने अभी एक प्रॉब्लम लेता हूं, ध्यान से देखना, अभी मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, सपोज पीएन मैंने एक स्टेटमेंट लिया, पीएन एक स्टेटमेंट लिया, इसको फाइंड करने का तरीका देखो, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसका सम सभी को पता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, देखो तो ये एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस ऑफ एन, इसका सम कितना होता है मौसमी, इसका सम कितना होता है बता दो, इसका सम कितना होता है, नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, बनाई रहा दिस लाइन, ये वाला होता है कि नहीं, क्वेश्चन दिया रहेगा सो दैट दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन सबको, क्या लिखा हूं मैंने पी एन, ये देखो एन का है ना, एन का प्रॉब्लम है, देखो ये फंक्शन जो लिखा हूं मैंने एन में लिखा, इसलिए इसको पी एन कर दिया, लेकिन जो मैंने समझाया था तुम्हें अभी तुम्हें जो समझाया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी का यूज करना है हमें, क्वेश्चन रहेगा सो दैट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे एन क्या लिया मैंने, नेचुरल नंबर, तब मैंने पहला लेटर सेजूम पी एन बी एस स्टेटमेंट, इसको इस तरह से लिख दिया, स्टेटमेंट को पी एन कोलन दे दिया, वन से लेकर एन तक सम किया इक्वल्स टू ये वाला। ठीक है, अभी हमें पहला कंडीशन क्या था, पहला स्टेप कौन बता सकता है, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर एन इक्वल्स टू वन, अच्छा एन इक्वल्स टू वन के लिए
तब इसका पहला टर्म क्या है बता दो, इसका पहला टर्म वन है कि नहीं, पहला टर्म वन है, तब लेफ्ट हैंड साइड मेरा वन बन गया, राइट हैंड साइड पुट करके चेक कर दो, राइट हैंड साइड एन का जगह पर वन पुट करो, एन का जगह पर वन पुट करो, कितना आएगा वन इंटू वन प्लस वन का कितना टू बनेगा, वन इंटू टू सो इट बिकम्स टू डिवाइडेड बाई टू सो इट बिकम्स हाउ मच वन, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वन है, अगर एन का वैल्यू वन लोगे तब पहला टर्म वन बन गया, सेकेंड टर्म यहाँ पे देखो तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं, तब लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है वन है, पहले वन इक्वल्स टू इसको हम चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना है वन है, तो राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड मेरा वन है, राइट हैंड साइड में वन बिठाओ, एन का वैल्यू वन पुट करो, कितना आ जाएगा वन इंटू वन प्लस वन, कितना होगा वन इंटू टू दैट मीन्स टू, टू डिवाइडेड बाई टू सो इट बिकम्स कितना आएगा वन इंटू वन प्लस वन बाई टू, सो कैन आई राइट टू बाई टू सो इट बिकम्स वन, ठीक है इक्वल्स टू क्या बन गया, यही तो मेरा राइट साइड बन गया, ये भी क्या है मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है ये राइट हैंड, इसको अगर मैंने राइट हैंड साइड लिख दूं, इसको मैंने राइट हैंड साइड लिखू, ये किसके साथ में इक्वल बन गया, लेफ्ट हैंड साइड के साथ में इक्वल बन गया, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, ये सुनो यस सर, ओके अभी उसके बाद हम अभी चेक करते हैं, उसके बाद बता दो तो सेकेंड टर्म जो है सेकेंड टर्म अभी हम चेक करेंगे, लेट अस अज्यूम फॉर एन इक्वल्स टू के, लेट अस अज्यूम फॉर एन इक्वल्स टू के, इसको मैंने अज्यूम करेंगे, इसको मैंने अज्यूम करेंगे, अज्यूम करना है, अज्यूम करना है फॉर एन इक्वल्स टू के, फॉर एन इक्वल्स टू के क्या लिखेंगे आप, पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, ठीक है तो दैट इज पी के इज ट्रू, मतलब क्या है व्हाट इज पी के, पी के क्या आएगा, पी एन मेरा ये बना था, पी एन मेरा ये बना था, पी के क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज पी के, पी के मैं लिख सकता हूं वन प्लस टू प्लस, एन का जगह पर के, तब के कितना बन जाएगा एन का जगह पर के, सो इट बिकम्स हाउ मच, क्या लिखेंगे हम के माइनस ऑफ वन प्लस ऑफ के, के प्लस के माइनस एन का जगह पर के माइनस वन, इधर कितना आ जाएगा के इक्वल्स टू कितना बनेगा बता दो, इक्वल्स टू कैन आई राइट के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, इसको नंबरिंग कर दो, इसको नंबरिंग कर दो, नंबर वन कर दिया, ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक, ना डाउट है किसी को, समझ में आ गया ना डाउट है, ओके अभी हमें क्या दिखाना है, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन इज ट्रू, इसको हमें प्रूव करना है, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन इज ट्रू, इसको हमें प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे, अच्छा हमें बता दो जब एन का जगह पर के प्लस वन लिखेंगे तब यहाँ पे क्या आना चाहिए, के प्लस वन यहाँ पे आना चाहिए, के प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मतलब के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, ये आएगा तो मेरा मैं बता सकता हूँ एन फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, इसको हम दिखा सकता हूँ, देखो तो अभी मैंने लिख सकता हूँ कि नहीं ध्यान से देखो, लिखेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस वन, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, इसको हमें प्रूव करना है, क्या करना है पी के प्लस वन इज ट्रू हमें प्रूव करना है, देखो ध्यान से अभी अभी ध्यान से देखो पी के प्लस वन क्या आएगा एन का जगह पर के प्लस वन, एन का जगह पर के प्लस वन, देयरफॉर तब मैंने पी के प्लस एन इक्वल टू के प्लस वन लिख रहा हूँ इस लाइन पे, पहला वाला जो लाइन लिख रहा हूँ देख लो ध्यान से, सो कैन आई राइट वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट दे दो, अच्छा अभी बताओ एन का जगह पर के प्लस वन कितना आएगा मौसमी, एन का जगह पर के प्लस वन तब के माइनस के प्लस वन माइनस वन कितना बनेगा के बनेगा कि नहीं के,
उसके बाद एन का जगह पर कितना लिखेंगे, के प्लस वन, एन का जगह पर कितना लिखेंगे, के प्लस वन। हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं बता दो। यस लिखा एन का जगह पर, एन का जगह पर मैंने लिखा के प्लस वन, के प्लस वन, वन प्लस टू प्लस थ्री, एन का जगह पर के प्लस वन माइनस वन, के प्लस वन माइनस वन, पहले प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, के बना और यहाँ पे क्या बनेगा, के प्लस वन हो गया। अभी यहां से यहां तक इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट वन, यहाँ पे चेक करो क्या था, वन से लेकर के का सम, के इंटू के प्लस वन बाई टू, सो कहना ही राइट, यहां से लेकर यहां तक कितना है, के इंटू के इंटू के प्लस वन बाई टू, प्लस ऑफ, प्लस ऑफ के प्लस वन है, प्लस ऑफ के प्लस वन, प्लस ऑफ के प्लस वन, कहना रहा दिस लाइन, टेकिंग कॉमन के प्लस वन, taking common k plus 1 from the students, so can I write k plus 1, k plus 1 into कितना आएगा, क्या लिखेंगे हम, k plus 1 common ले लिया, चले k by 2, k by 2 plus 1, can I write this line, k plus 1 मैंने common ले लिया, दोनों टर्म से k plus 1 common ले लिया, तो finally कितना बनेगा बता दो, finally मेरा बन जाएगा, फाइनली मेरा बन जाएगा देखो k प्लस वन इंटू के प्लस टू, एलसीएम ले लोगे तो k प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू बन जाएगा, देख लो अभी अभी मुझे बता दो, जब n का जगह पर k प्लस वन लिखेंगे यहाँ पे इस लाइन पे चेक कर लो, k प्लस वन इधर क्या आएगा, k प्लस वन प्लस वन, मतलब k प्लस वन इंटू k प्लस वन प्लस वन, मतलब k प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, चेक देखो ये वाला मिल गया है कि नहीं, चेक करो ध्यान से मिला है कि नहीं, अगर तुम उस फॉर्मेट में लिखने चाहते हो सो कैन आई राइट के प्लस वन, उसके बाद क्या लिखेंगे, के प्लस वन डिवाइडेड बाय कितना बन गया टू, ठीक है डिवाइडेड बाय टू, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं बता दो, तो व्हिच इंप्लाइज फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, pk plus 1 is true, pk plus 1 is true, तो मैंने पहले क्या किया, n का जगह पर 1 लिया, left hand side equals right hand side लिखा, तो वहां पे लिख दिया p1 is true, तो क्या पहले बोल दिया मैंने, पहले यहां पे बोल दिया p1 is true, which implies p1 is true, p1 is true, second line में मैंने क्या किया, अभी let us assume for n equals to k, pk is true, pk is true, तो पी के क्या लिखा, एन का जगह पर के यूज किया, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के माइनस वन प्लस के कितना बन जाएगा, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू लिख दिया, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, उसके बाद मैंने क्या प्रूफ किया, उसके बाद मैंने प्रूफ कर दिया एन का जगह पर के प्लस वन लिखा, वी नीड टू प्रूफ दैट पी के प्लस वन इज ट्रू, तब क्या लिखेंगे, वन से लेकर एन का जगह पर के प्लस वन, इस लाइन पे प्रूफ कर दो, पहला वाला जो लाइन लिखा हूं एन का जगह पर के प्लस वन, ये एन का जस्ट प्रीवियस टर्म लिखना ताकि तुम कैलकुलेशन आसान होगा, ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से, तो क्या लिखा, वन से लेकर थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एन का जगह पर के प्लस वन, के प्लस वन माइनस वन, तब क्या बना के, सो वन से लेकर के का सम, नेचुरल नंबर का सम, प्लस ऑफ ये क्या बना के प्लस वन, एन का जगह पर के प्लस वन, देखो अभी मैंने इसका वैल्यू ये वाला पहला वाला जो यहाँ पे नंबर वन किया था ना उसका यूज कर दिया, प्लस के प्लस वन कॉमन ले लिया, तो फाइनली मेरा ये बन गया, तो इससे हम क्या पता चला, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस, लास्ट लाइन मस्ट लिखना, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये था मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समझ में आ गया सबको, ना डाउट है किसी को बताओ, समझ में आ गया है ना किसी को डाउट है, बता दो इसको समझ में आया है ना डाउट है, एनीबॉडी, इज इट क्लियर टू यू ऑल, यस और नो, यस सर, यस यस सर, ओके गुड, Can I give another example? Can I give another example? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, solve it. Last line क्या लिखने बोला हूँ? यहाँ पे यहाँ तक लिखने के बाद उसको क्या लिखना है? उसको क्या लिखना है?
इसको लिखना ये है फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखना है हेंस पी एन इज ट्रू। मैंने जो स्टेटमेंट एज्यूम किया था पी एन क्या है मेरे लिए स्टेटमेंट था, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां तक पूरा कंप्लीट लिखना है तुम्हें, यहां तक पूरा कंप्लीट तुम्हें लिखना है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी बता दो तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एन माइनस वन होल स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है इसका फॉर्मूला। अगर स्क्वायर कर दिया ना सारे सारे टर्म को, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कितना होता है सिक्स। देखो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं उसको भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं उससे भी थोड़ा चेक कर लेता हूँ। एन का वैल्यू वन पुट करो, वन पुट करोगे तो यहाँ कितना आना चाहिए, वन स्क्वायर मतलब वन, एन का वैल्यू अगर वन पुट करोगे तो वन स्क्वायर मतलब वन आएगा, यहाँ पे पुट करके देख लो वन आ रहा है कि नहीं, मस्त वन आएगा, वेरीफाई करो। मैंने जस्ट पी के प्लस वन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पी एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन इज ट्रू दिखाएंगे, ठीक है। और दो तो तुम लिख सकते हो, पहला फॉर एन इक्वल टू वन पी वन इज ट्रू दिखाना है, और उसके बाद एज्यूम करेंगे लेट अस एज्यूम फॉर एन इक्वल टू के पी के इज ट्रू, उसके बाद फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, इसको दिखाएंगे। देखो तो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हूँ, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स फॉर टेकिंग एन इक्वल्स टू वन, चेक करो राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, इधर वन आएगा, देखो अच्छा से इधर वन आएगा, इधर टू आएगा, वन इंटू टू मतलब टू, इधर टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री, पहले थ्री इधर आएगा टू, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स, सिक्स बाई सिक्स, सो इट बिकम्स वन, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर, लेट मेडिसिन करते हो, देखो अभी लेट मेडिसिन करते हो, एनी टाइम जगह पर अगर वन पुट करेंगे तब पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, मेरा वन का स्क्वायर मतलब वन बन गया, ठीक है, वन बन गया। राइट हैंड साइड चेक करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, एन का जगह पर वन पुट करो, एन इंटू वन प्लस वन कितना होता है टू, और इधर टू इंटू वन प्लस वन कितना बनेगा, टू प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू वन सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स, सो इट बिकम्स वन, ठीक है। हम जस्ट एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए पी के प्लस वन ट्रू है कि नहीं उसे दिखाऊंगा, उसे दिखाऊंगा। तो अभी हमें पहले बता दो, इसको प्रूव करने का पहले हमें पता हो जाना चाहिए एन का जगह पर के प्लस वन प्रूव करने से क्या आना चाहिए, ठीक है, वही हमें प्रूव करना है, वही हमें प्रूव करना है, चेक कर दो। एन का जगह पर अगर के प्लस वन पुट करता हूं तब क्या आना चाहिए, देखो ध्यान से, एन का जगह पर अगर मैं के प्लस वन पुट करता हूं तब क्या बनेगा, पी के प्लस वन क्या बनना चाहिए था, पी के प्लस वन क्या बनना चाहिए था बता दो, पी के प्लस वन क्या बनना चाहिए, देखो ध्यान से, पी के प्लस वन क्या बनेगा, पी के प्लस वन, यही वाला मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, एन का जगह पर के प्लस वन करो, के प्लस वन उसके बाद कितना आएगा बताओ, के प्लस वन कितना बनेगा, के प्लस टू, के प्लस वन कितना बनेगा, के प्लस टू, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, टू इंटू के प्लस वन मतलब टू के प्लस टू प्लस वन, टू के प्लस टू प्लस वन तब कितना बनेगा, सो कैन आई राइट टू के, टू के प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए सिक्स, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे हो रहा है ये, ठीक है, चेक करो, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पुट करके देखो, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पुट करके देख लो, फॉर
एन इक्वल्स टू के प्लस वन क्या बनेगा बताओ निखिलेश। निखिलेश सर फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए क्या लिखूंगा, ये वाला जो लिखा हूं उसी में प्रूव कर रहा हूं। देखो ध्यान से क्या बनेगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस कैन आई राइट, ये क्या है एन का जगह पर के प्लस वन, एन का जगह पर के प्लस वन माइनस वन, के प्लस वन माइनस वन क्या बना के स्क्वायर प्लस ऑफ कितना एन है एन स्क्वायर, मतलब हम क्या लिखेंगे ए के प्लस प्लस वन का वन का स्क्वायर। स्क्वायर। इसका पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था पूरा सेम लॉजिक मैंने अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसका पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था तब सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। क्लियर क्लियर यस ओके। अभी यहाँ से यहाँ तक सर इसका फॉर्मूला श्रिया, यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला वन स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर तक ये वाला होगा कि नहीं बता दो, एन का जगह पर के पुट कर देंगे, के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सेम किया था, तब क्या आएगा जिसको मैं लिख सकता हूँ, जिसे मैं लिख सकता हूँ कितना आएगा के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन टू के प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स, प्लस कितना है के प्लस वन का होल स्क्वायर। कैन आई राइट दिस लाइन, देख लो अच्छा से, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन का जगह पर के पुट किया, एन का जगह पर के पुट किया तब के इंटू के प्लस वन इंटू टू के, एन का जगह पर के इधर क्या होगा के प्लस वन मतलब यहाँ पे जो के प्लस वन और इधर क्या होगा टू के प्लस वन, इसलिए लिख दिया मैंने ये वाला जो टर्म लिखा एन का जगह पर के, क्योंकि वन स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर तक, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू प्लस ऑफ के स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या लिखा हूँ के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। तो अभी हमें बता दो, सो कैन आई टेक द कॉमन के प्लस वन का के प्लस वन, कैन आई टेक द कॉमन के प्लस वन, कैन आई टेक द कॉमन के प्लस वन, यस और यस नो सर ओके। यस ले सर लो के प्लस वन कॉमन लो, के प्लस वन कॉमन ले लो, के प्लस वन कॉमन लो क्या बनेगा, के प्लस वन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो तो के इंटू टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, प्लस कितना लिखेंगे के प्लस वन कैन आई राइट दिस लाइन। अभी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, सो कैन आई राइट के प्लस वन बाई सिक्स, के प्लस वन बाई सिक्स तो क्या लिखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर दो टू के स्क्वायर के इंटू टू के स्क्वायर प्लस के इंटू वन सो इट बिकम्स के प्लस सिक्स इंटू के प्लस वन, मतलब सिक्स के प्लस सिक्स, सिक्स के प्लस सिक्स, ये लाइन समझ में आया कि नहीं बताओ, ये लाइन सबको समझ में आया है कि नहीं बता दो, ये लाइन यस सब को समझ में आया है कि नहीं बता दो। अगर सो कैन आई राइट दिस पार्ट इक्वल्स टू के प्लस वन बाई सिक्स इनटू कितना बनेगा टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस ऑफ सिक्स, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स। अभी देखो इसको मिडिल टर्म फैक्टर कर सकता हूँ, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व मतलब फोर इंटू थ्री करेंगे, फोर प्लस थ्री आ जाएगा मेरा सेवन, ठीक है फोर प्लस थ्री आ जाएगा मेरा सेवन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो तो ध्यान से के प्लस वन बाई सिक्स, के प्लस वन बाई सिक्स इंटू देखो इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री के प्लस ऑफ सिक्स, कैन आई राइट दिस लाइन, मिडिल टर्म फैक्टर कर दिया हूँ, इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो टू इंटू सिक्स कितना बनेगा ट्वेल्व, ट्वेल्व को इस तरह से लिखो, पहले सिक्स इंटू टू करोगे तो क्या होगा ट्वेल्व बनेगा, लेकिन यहाँ सेवन चाहिए हमें, यहाँ पे प्लस सिंबल है मतलब प्लस करना पड़ेगा, तब फोर इंटू थ्री करेंगे तो ट्वेल्व बन रहा है, ट्वेल्व बन रहा है और फोर प्लस थ्री करेंगे तो सेवन बनेगा। क्लियर, प्लस क्यों लिखा, यहाँ पे प्लस है इस जगह पे, ये जो सी टर्म है इसका कोफिशिएंट ये क्या है प्लस है पॉजिटिव, इसलिए फोर प्लस थ्री करेंगे तब ये वाला टर्म आएगा, देखो तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, के प्लस वन बाई सिक्स इंटू के प्लस वन बाई सिक्स इंटू
ध्यान से देखो, टू के कॉमन ले लो, पहला दो टर्म से टू के कॉमन लो, कितना बनेगा के प्लस टू। लास्ट दो टर्म से थ्री कॉमन ले लो, सो कैन आई राइट के प्लस टू, के प्लस टू, सो फाइनली कितना बनेगा के प्लस वन बाई सिक्स इंटू, कितना बनेगा बता दो, के प्लस टू, के प्लस टू इंटू कितना बनेगा टू के प्लस थ्री, टू के प्लस थ्री। इसको वेरीफाई करो, जो पी के प्लस वन यहाँ पे पहले मैंने लिखा था, पी के प्लस वन इस लाइन पे, यहाँ पे फोकस करो थोड़ा, पी के प्लस वन क्या आना चाहिए, पी के प्लस वन क्या आना चाहिए, के प्लस वन देखो के प्लस वन आया है कि नहीं, के प्लस वन, उसके बाद के प्लस वन इंटू के प्लस टू, देखो के प्लस टू आया है कि नहीं, उसके बाद चेक करो टू के प्लस थ्री, देखो टू के प्लस थ्री डिवाइडेड बाय कितना है सिक्स, देखो डिवाइडेड बाय सिक्स आया है कि नहीं, डिवाइडेड बाय सिक्स आया है कि नहीं चेक कर लो। तब यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पी के प्लस वन इज ट्रू, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, पी फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन पी के प्लस वन इज ट्रू। तब लास्ट लाइन मस्ट लिखना, हेंस हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट, नो सर, नो सर, ओके क्लियर होगा सबको, क्लियर नो सर, होगा सबको ना, नहीं बताओ, यस यस सर, सर, यस ओके ओके। सर, यस अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करता हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थ्री, उसका क्वेश्चन नंबर थ्री लिखता हूँ, पहले इसको साफ करूँ, समझ में आ गया, सभी को लिखिए, यस सभी सर, को यस सर, लिखिए वो, यस और नो, ओके लिखो यस क्वेश्चन सर, नंबर थ्री, लिखो तुम अपना कॉपी में, लिखो क्वेश्चन नंबर थ्री, पूरा क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, थोड़ा मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। इफ ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए इक्वल्स टू, ऑल ऑफ यू, इफ ए इक्वल्स टू, फर्स्ट रो क्या दिया है, थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू, देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इक्वल्स टू, कितना गिवन है चेक करो, ए टू द पावर एन गिवन है वन प्लस टू एन, वन प्लस टू एन, वन प्लस टू एन फर्स्ट रो माइनस फोर एन होगा, तो सेकेंड रो क्या है एन एन, ये कितना आ जाएगा वन माइनस टू एन, वन माइनस टू एन, वन माइनस टू एन, वायर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वायर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वायर क्या आएगा, वायर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वायर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर अगर लिखेंगे तो वही मेरा नेचुरल नंबर बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर, इसे मुझे प्रूफ, इसे मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, इसे मुझे प्रूफ करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूफ कर देंगे। सुबिस्ता अभी देखो यहाँ पे सभी को क्वेश्चन पे फोकस करो, मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ऑर्डर कितना है बता दो पहले, ऑर्डर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स 2 by 2। कितना है, ऑर्डर 2 by 2, यस और नो, कितना है 2 by 2, 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूव करना है ए टू द पावर एन इक्वल्स टू दिस पार। अभी पहला कंडीशन क्या था,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर तुम यूज करोगे, पहला कंडीशन क्या था, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है। देखो तो हमें प्रूव करना है, मैं क्या लिखूंगा, पहला पहला लिख दूंगा। हाँ, पहला क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल टू वन, पी वन इज ट्रू दिखाएंगे। फॉर एन इक्वल टू वन, यहाँ पे ए का एन का वैल्यू वन ले लेंगे, पी वन ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, मतलब ए का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वन है, तब ए वन आना चाहिए। एन का जगह पर अगर मैं वन पुट करेंगे यहाँ पे, तब ए वाला टर्म आना चाहिए। अगर नहीं आया, समझना क्वेश्चन मैंने जो लिखा वो शायद गलत होगा, प्रिंटिंग गलत होगा, हाँ मैंने गलत लिखा हूँ। ठीक है, देख लो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हो, ए इक्वल्स टू 3 -4 1 -1, 3 -4 1 -1। अभी हमें बताओ फॉर एन इक्वल्स टू वन क्या लिखेंगे, फॉर एन इक्वल्स टू वन, पहले पी वन मतलब ए वन ट्रू है कि नहीं चेक करेंगे, ए का पावर एन का वैल्यू वन लिख रहा हूं, एन का पावर वन चेक करो, पुट करके बिठा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कितना आएगा बता दो, एन इक्वल्स टू वन के लिए ए वन कितना बनेगा बताओ, 2n, 2 into 1, 2, चले 2 + 1 कितना बनेगा, 3। कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, ये सुनो क्या लिखा, 1 + 2n, n का जगह पर 1, तो 1 + 1, तो यहाँ पे 1 + 2 into 1, 2, तो 1 + 2, सो इट बिकम 3। फिर यहाँ पे आ जाओ -4 into 1 कितना बनेगा, -4 -4 -4, उसके बाद यहाँ पे एन का जगह पर वन पुट करो, वन यहाँ पे चेक करो, 1 - 2 into 1 मतलब 2, 1 - 2, सो इट बिकम्स -1। देखो जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन था उसके साथ में इक्वल आया है कि नहीं बता दो, उसके साथ में इक्वल आया है कि नहीं बताओ, यस सर, उसके साथ में इक्वल आया है कि नहीं बताओ, तब मेरा क्या बन गया, ए वन इज ट्रू हुआ कि नहीं, देयरफॉर हेंस क्या लिखेंगे आप, व्हिच इंप्लाइज देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, ए का पावर वन क्या है, इज ट्रू, ये क्या के इज ट्रू, तो यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम क्या लिखेंगे हम, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम क्या लिखेंगे, फॉर फॉर एन इक्वल्स टू के, तब क्या हो जाएगा, ए का पावर के, ए का पावर के क्या लिखेंगे हम, ए के पावर के क्या आएगा, एन का जगह पर के पुट कर दिया, एन का जगह पर के कितना आएगा बता दो, कितना आएगा, 1 + 1 + 2 के, एक और ये ज्यादा कितना आ जाएगा, -4 के, ये नीचे कितना आएगा, के एन का जगह पर के, और इधर 1 - 2 के, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरा ट्रू है, ये मेरा ट्रू है। अभी हम प्रूव करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, ए टू डू पर द के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, ए टू डू पर द के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, इसको हमें दिखाना है, इसे हमें दिखाना है, देखो ध्यान से, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फॉर फॉर एन इक्वल्स टू, फॉर एन इक्वल्स टू, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट क्या लिखेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट ए टू डू पावर के प्लस वन, इसको हमें प्रूव करना है इज ट्रू, इज ट्रू, इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, फॉर फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, ए टू डू पावर के प्लस वन इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, एन का जगह पर जब के प्लस वन लेंगे तब क्या होना चाहिए बता दो, एन का जगह पर अगर मैंने के प्लस वन लेने चाहता हूं तब क्या आना चाहिए, 1 + 2 into एन का जगह पर के प्लस वन कर देंगे, और यहाँ पे आ जाओ -4 होल इंटू के प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 2 into के प्लस वन, ये आना चाहिए, ठीक है, अभी हम चेक करेंगे, ए के प्लस वन, ए के प्लस वन, सो नाउ कैन आई राइट दिस लाइन, देखो तो अभी लिख सकता हूं मैं, अभी मैं लिख सकता हूँ ए के प्लस वन, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं बता दो, ए टू डू पावर द के इनटू ए टू डू पावर द के इनटू ए, ठीक है, इसका पावर वन, ठीक है, सो कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, ये सुनो लिख सकता हूँ कि नहीं, हमें ए का यस पावर के सर, प्लस वन से करना है, अच्छा ए का पावर के प्लस ए के कितना है,
एक का पावर के कितना आएगा, यहाँ पे लिखा हूं देख लो इसको, एक का पावर के मैंने यहाँ पे लिखा, उसको पहले लिख दो, एक का पावर के मैंने लिखा हूं वहां पे लिख दो। सो कैन आई राइट 1 प्लस 2 के, 1 प्लस 2 के, और इधर कितना है फर्स्ट रो का एलिमेंट -4 के, -4 के, और सेकेंड रो कितना है के, और कितना है 1 माइनस 1 माइनस 2 के, 1 माइनस 2 के, क्लियर। उसके बाद बताओ इनटू ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स तो गिवन है, कितना आएगा बता दो, ये मैट्रिक्स गिवन है 3 माइनस 4, कितना है 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, उसके बाद 1 1 माइनस 1, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, इस तरह से, पहला हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, कैन आई राइट। सो व्हाट इज द ऑर्डर इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, इसका ऑर्डर क्या मिलेगा बता दो, ऑर्डर क्या मिलेगा, एनीबॉडी, 2 क्रॉस 2, ऑर्डर क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको जल्दी मल्टीप्लाई करके बता दो हमें, इसको जल्दी मल्टीप्लाई करके हमें बता दो, ये 2 cos 2 आएगा, वेरीफाई करो। पहला कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखो A11 पोजीशन में, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 पोजीशन में लिख दो, ठीक है। लिखो पहले कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 के, 3 इंटू 1 प्लस 2 के, ठीक, 3 इंटू 1 प्लस 2 के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 के इंटू 1, सो इट बिकम्स -4 के, कैन आई राइट दिस लाइन। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट मैंने लिख दिया, फर्स्ट पोजीशन का मैंने एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा बता दो, कितना आएगा माइनस, अच्छा इसको थोड़ा मैंने, सेकंड एलिमेंट कितना आएगा A12, पहले -4 इंटू -4 इंटू कितना बनेगा 1 प्लस 2 के, 1 प्लस 2 के, 1 प्लस 2 के, और क्या बनेगा -4 के इंटू -1 कितना बनेगा +4 के, +4 के होगा। A12 पोजीशन का एलिमेंट मैंने लिख दिया, A12 पोजीशन का मैंने एलिमेंट लिख दिया हूं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 3 इंटू के, मतलब 3 के, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 1 माइनस 2 के इंटू 1, मतलब 1 माइनस 2 के, मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 के, 1 माइनस 2 के। उसके बाद बता दो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू के कितना बनेगा -4 के, -4 के, उसके बाद -1 के साथ में इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब कितना बनेगा -1 प्लस ऑफ 2 के, -1 प्लस ऑफ 2 के। श्रेया बता दो, चेक कर लो सभी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सभी चेक करो। उसके बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, कितना आएगा बता दो, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, कितना आएगा बताओ, 3 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 इंटू 2 के, मतलब 6 के, 6 के -4 के 2 के आएगा, तब क्या बनेगा 3 3 प्लस 2 के, 3 प्लस ऑफ 2 के बन जाएगा, क्या बनेगा 3 प्लस 2 के, 3 प्लस 2 के, 3 प्लस 2 के, कैन आई राइट दिस लाइन, कैन आई राइट दिस लाइन, यस और नो, कैन आई राइट दिस लाइन, ओके। यस सर, यस सर, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट चेक करो, सेकेंड एलिमेंट इधर कितना -4 -8 के प्लस 4 के, कितना बनेगा -4, कैन आई राइट -4, और ये कितना बनेगा -8 के प्लस 4 के, मतलब -4 के, कैन आई राइट दिस लाइन, -4 के, -4 के। उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा 3 के -2 के, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा के, तब के प्लस ऑफ 1, चेक करो के प्लस ऑफ 1 कितना बना, K+1, 3 के -2 के, मतलब K+1 था, +1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ -4 के प्लस 2 के, कितना आएगा -2 के, -4 के -2 के, मतलब -2 के, कितना आएगा -1,
माइनस टू के माइनस वन, माइनस टू के माइनस वन, ठीक है, माइनस टू के माइनस वन। अभी हमें बताओ इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में एन का जगह पर के प्लस वन बिठाओगे तो ये